का मुद्दा क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा, और जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद मुझे पिछली बार भी मिला था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मुझे फिर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के जो हम सभी लोगों के नेता हैं, मेरे ऊपर विश्वास जताया है। और इस हमारी लोकसभा दोनों जनपद, चाहे वो श्रावस्ती हो चाहे बलरामपुर हो, हमारे सभी सम्मानित जिलाध्यक्षगण, विधायकगण और यूथ कमेटी, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी और सभी समर्थक साथियों का जो विश्वास मेरे ऊपर है, मुझे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, और इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, और मेरी कोई हैसियत नहीं है चुनाव लड़ने की, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो मुझे लगता है कि चुनाव जनता ही जीतती है, और मैं प्रयास करता हूँ जिस तरीके से मैंने पिछले कार्यकाल में लगभग, चाहे रेल लाइन रही हो, चाहे हवाई यात्रा की शुरुआत रही हो, चाहे प्रधानमंत्री की सड़कें रही हों, चाहे वो मेडिकल कॉलेज रहा हो, चाहे वो बाईपास बलरामपुर का रहा हो, और चाहे वो स्टेशनों पर नई गाड़ियों का ठहराव रहा हो, इस तरीके से हमने पूरा प्रयास किया, और प्रयास करके पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ अपने लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की जनता के हित में मैंने दोनों पार्लियामेंट में बोलने का काम किया, और पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने अवगत कराया था, और उसी की देन है कि आज जिले में जो विकास, मित्रों को बधाई देना चाहूँगा। और मेरा जो भी कैंसिलेशन पत्र जारी हुआ है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, मुझे आज पुनः बीच में दिक्कतें कुछ आई थी, लेकिन आज पुनः एबी फार्म दे करके और कैंसिलेशन पत्र दे करके पुनः समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैंने पर्चा दाखिल किया है, और मैं अपने नेतृत्व को, क्षेत्र की सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बड़ी उहापोह की स्थिति बनी रही पिछले 24 घंटे में, धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू को टिकट का बी फॉर्म दे दिया गया, यानी कि उन्हें टिकट दे दिया गया। अब आप बताइए कि ये उहापोह की स्थिति बनी हुई क्यों? अगर अखिलेश जी को टिकट नहीं बदलना था तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, और क्या दिक्कतें आई मतदाताओं में? बड़ी उहापोह की स्थिति है। देखिए, अब इसकी तो मुझे जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन माननीय विधायक जी धीरू सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं और गठबंधन में शामिल हैं। अब घटनाक्रम कैसे हुआ उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभी मैंने आपको इसके पहले बताया कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, मैं पुनः राष्ट्रीय नेतृत्व को और श्रावस्ती लोकसभा की सम्मानित जनता को बधाई देता हूँ। आशीर्वाद तो वो भी अपने आप को भी बता रहे हैं, आशीर्वाद हमको भी मिला है। अब भाई देखिए, मैंने आपसे कहा कि मुझे आज जो डेट उनकी थी, उनका एबी फार्म 4 में था और मेरा एबी फार्म जो है 5 में हुआ है। इसका मतलब जिसको लास्ट मिला है वही असली प्रत्याशी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।